कहां है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? क्या चुपके से विदेश भाग चुके हैं परमबीर सिंह? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने का सनसनीखेज आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर ये ऐसे सवाल हैं जिसमें देश की कई जांच एजेंसियां उलझ गई हैं, क्योंकि परमबीर सिंह से संपर्क ही नहीं हो पा रहा। परमबीर सिंह आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर मुंबई में अप्रैल के महीने में देखे गए थे, जब वो एंटीलिया केस में एनआईए के सामने 7 अप्रैल को पेश हुए थे। फिर स्वास्थ्य का हवाला देकर 5 मई से छुट्टी पर गए परमबीर सिंह लगातार छुट्टी बढ़ाते रहे। एनआईए ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में समन भेजा, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। एनआईए की टीम छत्तीसगढ़, रोहतक सहित कुछ और जगहों पर गई, लेकिन कहीं भी परमबीर सिंह नहीं मिले। बताया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार से उनका आखिरी संपर्क अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए। विभिन्न मुकदमों में उनकी तरफ से वकील ही पेश होते रहे। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सन्नाटे में देश छोड़कर फरार हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बगैर बताए वो देश कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार से मंजूरी जरूरी है। खास बात यह है कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था। ऐसे तो न्यूज है, मैंने भी ऐसे सुना है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते। LOC भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते। लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के विवादित पुलिस अफसरों में से एक रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। एंटीलिया मामले में भी उनसे पूछताछ चल रही थी। एंटीलिया केस के बाद ही 17 मार्च को परमबीर सिंह का ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था। वहां उन्होंने 22 मार्च को अपना पद संभाला और बताया जाता है कि 4 मई तक वो दफ्तर गए थे। खबरों के मुताबिक स्वास्थ्य का हवाला देकर वो 5 मई से छुट्टी पर चले गए। तब ऐसा कहा गया कि वो अपने गृह शहर चंडीगढ़ में है। मई और अगस्त के बीच उन्होंने कई बार महाराष्ट्र सरकार से छुट्टी बढ़ाने की मांग की थी। कहा गया कि उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा गया है। इसके बाद अगस्त के दूसरे हफ्ते में उन्होंने एक बार फिर से छुट्टी बढ़ाने को कहा और 29 अगस्त तक छुट्टी पर चले गए, लेकिन इसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।